इंट्रोडक्शन टू बेस थ्योरम। हे दोस्तों, चलिए हम एक रियल लाइफ सिनेरियो से शुरू करते हैं जिसे तुम रिलेट कर पाओ और ये कॉम्प्लेक्स लगने वाला बेस थ्योरम को इजीली समझ पाओ। अब इमेजिन करो कि तुम्हें आज दोपहर को दोस्तों के साथ एक एडवेंचरस बाइक राइड में जाना है, पर एक बात है जो तुम्हें परेशान कर रखी है कि अरे भाई, प्लान तो बना लिया पर कहीं बिन मौसम बारिश हो गई तो। फिर तुमने फटक से टीवी चालू की और बेस्ट वेदर फोरकास्टिंग चैनल खोला और तुमने देखा कि अरे ये लोग तो रेन फोरकास्ट कर रहे हैं। बट बेटा, घूमने का मन तो बना लिए हो, तुम लग पड़े और थोड़ा रिसर्च करने में। इंटरनेट पे ढूंढ के उस वेदर फोरकास्ट कंपनी का वेबसाइट खोला और तुमने देखा कि जिस दिन बारिश होती है उनका प्रेडिक्शन 90% एक्यूरेट होता है और जिस दिन बारिश नहीं होती है उनका प्रेडिक्शन 80% एक्यूरेट होता है। अब ये तो काफी अच्छा रिकॉर्ड है नहीं। फिर ये पूरे रिसर्च के बाद तुमने झटक से ट्रिप का प्लान पोस्टपोन किया और एक मजेदार रेन डांस पार्टी थ्रो करने की सोची। भाई क्या मजा आएगा, पैसे भी बचेंगे और दोस्त लोग मिलके बहुत मस्ती करेंगे। फिर क्या, फोन उठाया और कॉल करके दोस्तों को बुला लिया। अब बेटा शाम हो गई और दोस्त लोग भी आ गए, पार्टी की तैयारी भी सब हो गई, बट बारिश का कोई अता पता नहीं है और तुम बन गए पॉपट। बेटा अपना पॉपट नहीं बनाना है तो नेक्स्ट टाइम जरा बेस थ्योरम पढ़ के अप्लाई कर लेना। चलिए देखते हैं कि आखिर में हमारा गलती कहां हुआ। सो दोस्तों, अभी हम बेस थ्योरम फॉर्मूला को समझने के लिए चार वैल्यूज यूज करेंगे। फर्स्ट वन पी ऑफ आर, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इन योर एरिया, जिसका मतलब है आपके एरिया में बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये ज्यादा होगा जब बारिश ज्यादा होता है और ये वैल्यू कम होगा जब बारिश बहुत कम होती है। और अगर हर दिन बारिश होती है तो पी ऑफ आर बन जाएगा 1। सेकेंड हम यूज करेंगे पी ऑफ एफ, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ वेदर फोरकास्टर प्रेडिक्टिंग रेन, जिसका मतलब है कि ये जो वेदर फोरकास्टर हैं वो जो रेन प्रेडिक्शन देते हैं उसका प्रोबेबिलिटी कितना है। अब इजीली समझने के लिए, हर 100 डेज में जब जब ये उनका रेन प्रेडिक्शन देते हैं वो टोटल नंबर ऑफ रेन प्रेडिक्शन हो जाएगा पी ऑफ एफ। अब थर्ड वैल्यू होगा पी ऑफ एफ गिवेन आर, जिसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वेदर फोरकास्टर प्रेडिक्टिंग रेन व्हेन इट हैज एक्चुअली रेन। अब फोर्थ वैल्यू होगा पी ऑफ आर गिवेन एफ, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग व्हेन द फोरकास्टर हैज ऑलरेडी प्रेडिक्टेड रेन। यहाँ दोस्तों तुमको पी ऑफ एफ गिवेन आर एंड पी ऑफ आर गिवेन एफ में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, अभी आगे जाके पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो पकड़ लो, तुम जहां रह रहे हो वहां बस 10% ऑफ द टाइम बारिश होती है, यानी कि 100 डेज में से बस 10 डेज को बारिश होती है। तो हमारा पी ऑफ आर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इन योर एरिया हो गया 10%, जो कि होगा 0.1। और ये जो 90% के एक्यूरेसी वाले वेदर फोरकास्टर हैं, उन 10 डेज में से 9 डेज करेक्टली रेन प्रेडिक्ट करते हैं, बट 100 डेज में से रेस्ट 90 डेज बारिश तो होती ही नहीं। और हमने देखा था कि जब जब बारिश नहीं होती है तब उनका प्रेडिक्शन 80% एक्यूरेट रहता है और 20% रॉन्गली प्रेडिक्ट करते हैं। तो 90 डेज जब बारिश नहीं होती है उनमें से 20% दैट इज 18 डेज को वो लोग रॉन्गली प्रेडिक्ट करते हैं कि बारिश होगी। अभी टोटल अगर करेंगे तो वेदर फोरकास्टर ने 9 + 18 दैट इज इक्वल्स टू 27 डेज आउट ऑफ 100 को रेन प्रेडिक्ट किया था। तो हमारा पी ऑफ एफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वेदर फोरकास्टर प्रेडिक्टिंग रेन हो गया 27%, यानी कि 0.27। पर दोस्तों, उन 27 डेज में से एक्चुअली ओनली 9 डेज के लिए बारिश हुई थी। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन व्हेन द फोरकास्टर हैज प्रेडिक्टेड रेन, यानी कि पी ऑफ आर गिवन एफ हो जाएगा 33%, मतलब 0.33। और ये तो भाई बहुत खराब एक्यूरेसी रेट है, राइट? अभी आप सोच रहे होंगे वो इम्प्रेसिव 90% एक्यूरेसी रेट जो ये लोग क्लेम कर रहे थे फिर वो क्या था। तो दोस्तों, उसका मतलब ये था कि पकड़ लो बारिश हो गई है, देन क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये फोरकास्टर वालों ने बारिश की प्रेडिक्शन दी होगी। तो ये होगा पी ऑफ एफ गिवन आर, जो कि था 90%, यानी कि 0.9। बट हमारा जो रिक्वायरमेंट था या हमारे दिमाग में जो सवाल था वो बिल्कुल उल्टा था उस क्वेश्चन से जो ये लोग आंसर कर रहे थे। हमको ये जानना था कि
जब वेदर फोरकास्टर वालों ने बारिश होने की प्रेडिक्शन दिया हुआ है, तब कितना प्रोबेबिलिटी है कि उनके प्रेडिक्शन के अनुसार रियलिटी में बारिश होगी उस दिन, राइट? तो ये होगा पी ऑफ आर गिवन एफ, जो कि होगा 0.33, और ये तो बहुत अनइम्प्रेसिव एक्यूरेसी है। तो ये जो पी ऑफ आर गिवन एफ में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की साइन है मिडिल में, उसके राइट में जो होता है वो हो चुका रहता है। हम टीवी में देखे तो प्रेडिक्शन हो चुका था, तो ये जो प्रेडिक्शन का प्रोबेबिलिटी है वो राइट में होता है। तो दोस्तों, अभी बेस थ्योरम का बेसिक फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए इक्वल्स टू पी ऑफ ए गिवन ई मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ ई डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के राइट में जो होता है वो हमने डिस्कस किया था कि वो हो चुका रहता है, वो गिवन होता है, और इसका प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। हम अगर सिनेरियो से रिलेट करें तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन एफ, क्योंकि हमारा प्रेडिक्शन ऑलरेडी हो चुका था टीवी में और हमको ये निकालना था कि रेन का प्रोबेबिलिटी क्या है जब प्रेडिक्शन हो चुका था। तो हमको निकालना है पी ऑफ आर गिवन एफ, और इसके वैल्यूज अगर हम पुट करें फॉर्मूला के अनुसार हमारा निकलता है 0.33। लेकिन दोस्तों, जब नंबर ऑफ इवेंट ज्यादा होते हैं और पी ऑफ ए का वैल्यू नहीं दिया जाता है, तब हम एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज करते हैं जहां हम पी ऑफ ए को रिप्लेस करते हैं इसके साथ, समिशन ऑफ जे इक्वल्स टू 1 टू एन पी ऑफ ई जे मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ ए गिवन ई जे। ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला। तो बस ये जो बेसिक फॉर्मूला होता है, यहाँ पी ऑफ ए के जगह ये फॉर्मूला लिखा जाता है और फाइनली हमको ये मिलता है। यही होता है मेन फॉर्मूला टू सॉल्व क्वेश्चंस। जनरली यही फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अब चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, अब ये वीडियो पॉज करके अच्छे से समझो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्या पूछा गया है। क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इवेंट्स क्या क्या है लिखना। तो हमारा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये वाला, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, यानी कि दोनों बैग में से एक बैग से बॉल निकाला गया एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, और वो बॉल रेड था। तो हमारा बॉल बींग रेड जो इवेंट है वो मैंडेटरी है। तो हमारा एक इवेंट हो जाएगा इवेंट ऑफ ड्रॉइंग द रेड बॉल, वो हम लिख लेते हैं ए। और क्या इवेंट होगा दोस्तों, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, बैग्स तो दो है, दोनों बैग में से एक बैग को सिलेक्ट किया गया, तो और दो इवेंट आएंगे। पहला इवेंट होगा इवेंट ऑफ चूजिंग बैग वन, और दूसरा इवेंट होगा इवेंट ऑफ चूजिंग बैग टू। तो हमारा हो गया तीन इवेंट। क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग टू, यानी कि जो बॉल निकाला गया वो तो रेड था। अभी हमको निकालना है कि बॉल तो रेड था लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल बैग टू से निकाला गया है। मतलब ए राइट में रहेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी साइन के राइट में रहेगा, और लेफ्ट में क्या रहेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग टू। जो ई टू इवेंट है, इवेंट ऑफ चूजिंग बैग टू, ये रहेगा लेफ्ट में। तो हमको निकालना है पी ऑफ ई टू गिवन ए। इसके लिए अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट फॉर्मूला हमको चाहिए पी ऑफ ई टू मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ ए गिवन ई टू डिवाइडेड बाई पी ऑफ ई वन मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ ए गिवन ई वन प्लस पी ऑफ ई टू मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ ए गिवन ई टू। और ये एक एक के वैल्यूज होंगे, P ऑफ E2 तो 1/2 ही होगा क्योंकि दो बैग है और दो बैग में से एक बैग हमको चूज करना है, तो वो हो गया 1/2। और P ऑफ A गिवन E2 हो गया हमारा 5/11। ये क्यों हुआ, क्योंकि E2 है इवेंट ऑफ चूजिंग बैग टू और A है द बॉल ड्रॉन बीइंग रेड। तो बैग टू में रेड बॉल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और टोटल नंबर ऑफ बॉल 5 + 6 = 11। तो P ऑफ A गिवन E2 हो जाएगा हमारा 5/11। रेड बॉल 5 है, टोटल बॉल 11 है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बीइंग ड्रॉन फ्रॉम बैग टू हो जाएगा 5/11। और एक वैल्यू हमको चाहिए जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बीइंग ड्रॉन फ्रॉम बैग वन, हो जाएगा 3/7, क्योंकि हमारा बैग वन में 3 रेड बॉल्स है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 7 है, वही सिमिलर फंडा है। तो हमारा एक एक वैल्यूज पुट करके हमारा आ गया 35/68। तो दोस्तों, हमने पहले बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके, क्या एग्जैक्टली होता है और कैसे काम करता है बेस थ्योरम। उसके बाद हमने बेसिक फॉर्मूला देखा, और जब इवेंट्स ज्यादा होते हैं, नहीं तो जब पी ऑफ ए नहीं दिया जाता है, उसके लिए हमने देखा अल्टरनेटिव फॉर्मूला टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ बेस थ्योरम। उसके बाद हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन बेस थ्योरम का सॉल्व किया।